तो हे डू फैमिली, वेलकम बैक टू अन वीडियो। तो कैसे हम लोग भाई, उम्मीद करते हैं भाई सब लोग बढ़िया होंगे, घर पर अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। कोविड टाइम है तो भाई घर पर ही रहिए जहाँ तक है। तो भाई हमने कुछ दिन पहले फूड ब्लॉग डाला था, उस पर भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हमने सोचा था बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे जा कर रखे। बट अभी बीच में थोड़ा बारिश वारिश होने लगी, तो भाई हमने डाल दी क्यू एन ए वीडियो। और क्यू एन ए वीडियो ऐसी डाली कि वो चली नहीं बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो, मतलब लोगों को पसंद नहीं आई वो वीडियो। तो हमने कहा इसी को देखते हुए हम एक बार फूड ब्लॉग फिर से बना देते हैं। बट हमने क्या करा था, पिछले वाले फूड ब्लॉग में हमने करा था कि स्ट्रीट फूड, मतलब अपने ठेले ठूले वाले फूड होते हैं ना, उन सबको एक्सप्लोर करा था। उसमें हमने बहुत सारे फूड, मोमोज, पेटीज, बर्गर, छोला छोले भटूरे, पेटी गोल गप्पे, बर्गर, सॉरी नहीं करा था। फिर हमने सोच इसी को ध्यान में रखते भाई साहब हमने आए एक और सा फूड ब्लॉग। तो इस फूड ब्लॉग में हम क्या करने जा रहे हैं, इस फूड ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपने सिटी के वीआईपी पिज्ज़ा हब को। तो भाई मैं बता देता हूँ कि हम जिस टाउन में रहते हैं, इतना बड़ा टाउन नहीं है, यहाँ पे है ना डोमिनोज या मैकडोनल्ड जैसे कोई पिज़्ज़ा या बर्गर हो, बट यहाँ पे ना प्राइवेट हब है बहुत सारे पिज़्ज़ा के, बहुत सारे दो तीन हैं। तो उसमें सबसे फेमस और सबसे मेन वाला पिज़्ज़ा हब यही वाला है। तो इधर हम आ चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई इधर हम 2 या 3 तरीके के पिज़्ज़ा मंगाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा था पिज़्ज़ा और मतलब बाकी सब फैसिलिटीज इनकी कैसी है। तो भाई आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो को लाइक करें बिना जाना नहीं, और भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो, क्योंकि इसमें मिलती रहती है आपको बढ़िया बढ़िया से वीडियो। तो अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। पिज़्ज़ा हमें काउंटर पे जाके ऑर्डर करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे वो वाली सर्विस नहीं है रेस्टोरेंट की तरह कि यहाँ पे आके लोग ऑर्डर लें और ले जाएं। बट हमने काउंटर पे जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है बकायदा, और भाई पिज़्ज़ा थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ा रेस्टोरेंट, बिल्कुल मतलब रेस्टोरेंट निकल के मेरे मुँह से सॉरी, मतलब पिज़्ज़ा अब बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं आया है। कोरोना के चलते नहीं आए होंगे, और शाम का टाइम भी हो रहा है, और कोरोना के चलते भाई मतलब कोई नहीं आया, बस एक दो लोगों की अभी आए तो वो लोग चले गए, और हम ही लोग भी अभी रिसेंटली आए हैं। तो मतलब ये है कि हाँ कोरोना पीक पे है, तो हमें भी कम खाना चाहिए। मैं फूड ब्लॉग बंद ही कर दूंगा शायद इसके बाद से। तो बट कोई नहीं, अभी तो पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। तो भाई यहाँ पे ना लिखा है वहाँ पे फ्री वाईफाई, बट हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक वाईफाई तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा। वाईफाई और यहाँ पे दिखन भी नहीं रहा, और सिग्नल आ रहे हैं वो भी मतलब 1 पॉइंट आ रहे हैं। तो फ्री वाईफाई के नाम पे यहाँ पे लूटा जा रहा है, क्या पता। तो वो बिल में ऐड कर दिया जाता, GST में बकाया था कि फ्री मतलब वाईफाई के चार्जेस ले लेते अगर कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पर यहाँ तो अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुआ, पहले होता था बट अभी तो हुआ भी नहीं है, नया खुला था तब सब कुछ होता था। तो भाई हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था, और हमने ना क्या करा उसमें से 2-3 पीस खा लिए, और अभी एक और मंगाया था, वो वाला ये ट्रे देख रहे हैं आपको ख़त्म हो चुकी है एक ट्रे, और एक और मंगा दिया। वो ब्लॉग इसीलिए नहीं शूट कर पाया, पता नहीं फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर हमने इनसे चार्जिंग फैसिलिटी ली, चार्जिंग पे लगाया तब तो जाके चार्ज हुआ फिर से फ़ोन, और अब ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ, टेस्ट तो टेस्ट मैंने कर ही चुका हूँ जैसे आपको पता ही है। तो बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा यहाँ पर, पहला हमने मंगाया था वेज फ्रेश, और ये वाला है हमारा संडे मॉर्निंग मतलब संडे ब्रेकफास्ट करके कुछ है इसका नाम, पर इसमें वो भी मशरूम है वेजीज है, और अपना कॉर्न पड़े हुए और चिली फ्लेक्स, और हमने अपने सॉस एडिशनल डाल ली थी। अब इसको भी टेस्ट करते थे, बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा है, ये भी दिखा देता हूँ। मस्त लग रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं पहले ही बना चुका हूँ आपको रिव्यू, लाइक 2 पिज़्ज़ा पहले ही उड़ा चुके हैं। तो हम मस्त बने थे पिज़्ज़ा, बट अभी तक हम देख रहे हैं इतनी देर से बैठे रहे, 1-2 मिनट हो गए, बैठ बस 1-2 मिनट बोल रहा हूँ, 10 मिनट हो गए बैठे बैठे, अभी तक कोई नहीं आया, पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ, कोई नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि कोरोना पे और हमी को ब्लॉगिंग की ज़्यादा पड़ी, हम ही लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं बाहर।
उल्टा सीधा चीज़ खा रहे हैं, अरे खा नहीं रहे हैं, मतलब ये तो आज हो ही गया ब्लॉगिंग के चक्कर में, बट अब नहीं जाया करूँगा मैं, सही में कोरोना से बहुत डर लगने लगा। तो भाई साहब आपने देख लिया होगा वीडियो में हमने किस तरीके से अपना पिज्ज़ा एक्सप्लोर कर दिया था, और वहाँ से हम इसीलिए निकल आए क्योंकि वहाँ पे अब थोड़ा लेट टाइम होता जा रहा था, और फिर वहाँ पे लोग बाग की भीड़ थोड़ी थोड़ी अब आने लगी थी, लास्ट में आने लगी थी, और शायद इसीलिए ना आ रहे क्योंकि हम पहुँचे थे वहाँ पे 5 बजे करीब, और लोग बाग थोड़े लेट आना चाहते हैं ना, तो शायद इसीलिए वहाँ पे भीड़ नहीं थी, बट अब भीड़ आने लगी थी वहाँ पे, तो इस वजह से हम वहाँ से निकल आए थे क्योंकि शोर शराब हो रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आती। तो मुझे कुछ बात भी करनी थी इस बारे में कि भाई आप लोग कमेंट कर दिया करो कि आपको कैसा कंटेंट आपको पसंद है, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बाहर का जो जैसे मैं भी कर रहा हूँ ना बाहर शूटिंग ये वाला कंटेंट आपको बहुत पसंद होगा, क्योंकि घर वाले कंटेंट पे तो व्यूज़ 10% आते हैं, तो उससे पता चल जाता भाई आप लोगों को बाहर का कंटेंट पसंद है। तो पर आप लोग कमेंट कर दिया करो आपके ऐसी वीडियो चाहते हो कि भाई ये एक्सप्लोर करो, और कुछ लोग तो मेरे मतलब बहुत सारे लोग मेरे सिटीज़ के हैं, मेरे दोस्त वोस्त हैं, तुम लोग भी कमेंट कर दिया करो कि भाई क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आती है हमारी सिटी का, कुछ एक्सप्लोर कर दो, तो भाई आप लोग बता दिया करो क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। और भाई आप मैं वीडियो पूरी देख ली होगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आप अगर नए हो तो मैंने देखा है नॉट सब्सक्राइब का भी रेशियो ज़्यादा ही है, मैंने एक बार वीडियो में बताया था जो नॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब वाले होते हैं उनमें से नॉट सब्सक्राइब का रेशियो ज़्यादा था और सब्सक्राइबर्स का कम था, जो लोग वीडियो वॉच करते हैं मेरी तो वो लोग वीडियो सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो वॉच कर लेते हैं, या तो कुछ लोग ब्राउज़र से वॉच कर रहे होंगे या तो इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे, भाई यूट्यूब ऐप पे जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आप नए हो तो भाई आप भी कर दो चैनल सब्सक्राइब, है क्या जाता है एक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो क्योंकि मैं वीडियो मस्त मस्त लाऊंगा। अभी तो ये था ये वाली वीडियो पता नहीं कैसी बनी होगी क्योंकि हम पिज़्ज़ा खाने गए तो गए थे एक्चुअली गए तो मतलब कुछ ही काम से ही गए थे, बट हमने सोची एक व्लॉग बनाना ज़रूरी है, लाना तो था ही कुछ तो हमने फिर मतलब इसमें लाने की कोशिश कर दी थी। तो भाई मैं सोचता हूँ कि अगर आप भाई मेहनत कर रहा हूँ मैं नहीं तो सब्सक्राइब कर दो क्या जाता है, तो कोई नहीं और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय।